दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ माइग्रेन के बारे में कि माइग्रेन क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और यह क्यों होता है और इसे कैसे बचाव कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि वेस्टिज के द्वारा माइग्रेन को कैसे ठीक कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। तथा जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को एक बार प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपके पास हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन से आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और हमें नई वीडियो बनाने की इच्छा बनी रहती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सिर दर्द का गंभीर रूप जो बार बार होता है उसे ही हम माइग्रेन कहते हैं। वैसे तो सिर दर्द होना एक सामान्य सी बात है। बहुत से लोगों को गैस या एसिडिटी से भी सिर दर्द होता है, लेकिन सिर दर्द का बार बार होना और उसे नज़रअंदाज करना एक भयंकर बीमारी का कारण बन सकता है। बहुत से लोग सिर दर्द होने पर दर्द की मेडिसिन लेते हैं और वह ठीक हो जाता है, लेकिन यदि बार बार सिर दर्द हो रहा है तो आप सतर्क हो जाइए, यह माइग्रेन हो सकता है। आज भारत में बहुत से लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। दोस्तों, माइग्रेन का दर्द आधे सिर में होता है। यह लेफ्ट में शुरू हो सकता है और राइट में भी। कुछ लोग इसे अतकपारी भी कहते हैं। माइग्रेन का दर्द 2 घंटे से लेकर 72 घंटे तक रह सकता है, यानी 3 दिन तक भी रह सकता है। माइग्रेन का दर्द इतना तेज होता है जैसे कोई सिर पर हथौड़ा मार रहा हो। ज़्यादा दर्द रहने से किसी किसी को चक्कर या उल्टी भी आने लगती है। ऐसे में व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर सकता है। माइग्रेन का दर्द कान, आँख के पीछे या कनपटी में दर्द से भी शुरू हो सकता है। माइग्रेन से देखने की क्षमता भी कम हो जाती है। बहुत से लोग सिर दर्द को गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन जिसके कारण अन्य बीमारियाँ भी अपनी चपेट में ले लेती हैं। माइग्रेन से देखने की क्षमता भी कम हो जाती है। बहुत से लोग सिर दर्द को गंभीरता से नहीं लेते हैं, जिसके कारण उन्हें अन्य बीमारियां भी अपनी चपेट में ले लेती हैं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह बीमारी किस वजह से होती है। इसके होने का ठोस कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन कई अध्ययनों से यह माना जाता है कि जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, तनाव या किसी चीज़ से एलर्जी होती है, ये उन लोगों को हो सकता है, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। माइग्रेन पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। 10 माइग्रेन के पेशेंट में से 7 महिलाएं हो सकती हैं। माइग्रेन बच्चों को भी हो सकता है। माइग्रेन जेनेटिक भी होता है, यानी यदि पेरेंट्स को माइग्रेन है तो उनके बच्चों को भी हो सकता है। कुछ अन्य कारणों से भी माइग्रेन हो सकता है, जैसे खान पान की गलत आदतें, गलत टाइम पर सोना उठना, टेंशन लेना, तेज रोशनी में, तेज सुगंध से, तेज आवाज़ से, धुआं, व्रत रखने से, अल्कोहल का सेवन करने से, अनियमित माहवारी, बर्थ कंट्रोल पिल्स या हार्मोनल चेंज आदि से भी माइग्रेन हो सकता है। दोस्तों, माइग्रेन के दर्द को कुछ घरेलू उपायों से भी कम किया जा सकता है। माइग्रेन से पीड़ित व्यक्ति को रोज योगा करना चाहिए, घूमना टहलना चाहिए, तेज रोशनी तथा शोर से दूर रहना चाहिए। जिन लोगों को माइग्रेन की तकलीफ होती है उन्हें जंक फूड, फास्ट फूड और डिब्बाबंद भोजन से दूर रहना चाहिए। पनीर, चीज, चॉकलेट, नूडल्स, मैगी आदि में पाए जाने वाले तत्व माइग्रेन के दर्द को बढ़ा सकते हैं। माइग्रेन से परेशान लोगों को इन सब से दूर रहना चाहिए और घर का बना खाना ही खाना चाहिए। माइग्रेन से पीड़ित व्यक्ति को पूरी नींद लेनी चाहिए तथा उसको शांत जगह पर सोना चाहिए, जिससे उसको नींद अच्छी आए। माइग्रेन से पीड़ित व्यक्ति को अधिक से अधिक हरी पत्तेदार सब्जियां और फल खाने चाहिए। माइग्रेन के दर्द में आप पालक और गाजर का जूस बनाकर पिए, लाभ मिलेगा। माइग्रेन के लिए 1 चम्मच अदरक के रस में शहद मिलाकर लेने से फायदा होगा। अदरक के टुकड़े को मुंह में रखने से माइग्रेन के दर्द में कमी आएगी। अदरक को किसी भी रूप में खाने से माइग्रेन के दर्द में राहत मिलती है।
अब मैं आपको बताऊंगी कि माइग्रेन में वेस्टीज का कौन सा सप्लीमेंट्स लेना है। पहला है नोनी, इसे एक एक कैप्सूल दिन में दो बार खाली पेट लेना है और नोनी खाने के बाद कम से कम एक घंटे तक कुछ नहीं खाना है। जिन लोगों ने नोनी पहली बार खाना शुरू किया है, यानी इससे पहले नोनी कभी नहीं खाया है, उनको 5 दिन लगातार लेना है, फिर 2 दिन नोनी नहीं खाना है, फिर नोनी को लगातार खा सकते हैं। दूसरा है नीम, इसे एक एक कैप्सूल दिन में 2 या 3 बार कभी भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद या खाने से पहले। दोस्तों, नीम की तासीर ठंडी होती है। अगर इसे खाने से किसी को प्रॉब्लम होती है, जैसे जोड़ों में दर्द आदि, तो वे इसके डोज को कम कर सकते हैं। तीसरा है LRG9, ये पाउडर फॉर्म में होता है। इसका एक पाउच दिन में एक बार खाली पेट 1 गिलास पानी में मिलाकर लेना है। ध्यान रहे, इसे हमेशा कांच की गिलास में ही लेना है, किसी अन्य में नहीं लेना है। दोस्तों, कोई भी सप्लीमेंट 3 से 6 महीने में ही काम करता है। यदि आप जब भी इसे लेना शुरू करें तो कम से कम 3 से 6 महीने तक की प्लानिंग करके ही लें। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें, जिससे कि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।